आज चारमीनार यूनानी हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं हम आर्टिकल जब मैनेजर जनाब सुबूर साहब के साथ और इस दवाखाने के सुपरिटेंडेंट है प्रिंसिपल है और तमाम डॉक्टर्स की मौजूद सीनियर डॉक्टर्स की मौजूदगी में हम यहाँ दौरा कर रहे हैं। यहाँ पर दो तीन काम बहुत ज़रूरी है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर मैं चारमीनार यूनानी हॉस्पिटल आया और ये जब यूनानी हॉस्पिटल में जब हम इंटर होते हैं सामने दो पार्क है छोटे से, तो उसको डेवलप करना है, वहाँ ग्रीनरीज लगाने का है क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पर चारमीनार और मक्का मस्जिद देखने के लिए। उस सिलसिले में हम तमाम अहदेदारों बल्दी अहदेदारों के साथ हम यहाँ दौरा कर रहे हैं और इस जगह भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है अंदर जो पेशेंट्स के लिए, जो पैरालिस पेशेंट्स हैं उनको वॉक करने के लिए, और वो जब बाहर जब अंदर से जब आते हैं बाहर जब धूप के लिए तो उनको यहाँ बैठने के लिए यहाँ बेंचेस वगैरह लगाएंगे और इसको भी एक बहुत बड़े हिस्से को भी हम यहाँ खूबसूरत बना के पेशेंट्स के लिए यहाँ पर उनकी राहत के लिए काम कर रहे हैं। और यह काम जनाब सैयद अहमद पाशा खादी साहब की निगरानी में हो रहा है काम यहाँ पर, और इंशाल्लाह बहुत जल्द काम शुरू होगा। और वहाँ के दो काम हैं सामने और यहाँ पर एक अंदर का काम है और एक छोटा सा एक हिस्सा है अंदर मेल वार्ड के बिल्कुल बाजू में है जो जी मैडम फिजियोथेरेपी पार्क का नाम दिए हैं यहाँ के डॉक्टर्स और प्रिंसिपल और अपने सुपरिटेंडेंट मैडम के, उसको भी डेवलप करने का हमारे जोनल कमिश्नर साहब के साथ भी हमने यहाँ दौरा किया था। उन्होंने भी कहा कि हम बहुत जल्द इंशाल्लाह उसको मंजूरी दे देंगे, तो इंशाल्लाह अभी एमएलए साहब भी आने वाले हैं, उन्हीं के साथ जाके हम जोनल साहब से नुमाइंदगी करेंगे और जल्द से जल्द काम शुरू कराएंगे। सर ये लिफ्ट 9 महीने से बंद है, इसका क्या है सर? हाँ अभी तक उसके लिए कुछ ये बात भी अभी लास्ट विजिट हुई थी एमएलए साहब की, तो इंशाल्लाह हम सुपरिटेंडेंट मैडम को बोले हैं यहाँ के जो भी काम है आप एक लिस्ट बनाइए एमएलए साहब को दीजिए और इंशाल्लाह अब आने वाले असेंबली सेशन स्टार्ट है तो यहाँ के जो जो काम है, और यहाँ पर ऐसा हो गया है कि ये दवाखाने को आयुष वाले छोड़ चुके हैं, दूसरे दवाखानों को डेवलप कर रहे हैं, दूसरे हॉस्पिटल्स को फंड्स दे रहे हैं। एक बिल्डिंग यहाँ पर अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पर यहाँ पर सेंक्शन हो चुकी है, मगर आयुष के जो डायरेक्टर है राजेंद्र साहब उनकी नाहेली समझिए या उनकी लापरवाही समझिए, पता नहीं क्यों नहीं चाह रहे हैं वो डेवलप करना है यहाँ पर। उनकी वजह से आज यहाँ पर डेवलपमेंट रुका हुआ है, फंड्स नहीं है यहाँ पर कि इतना सारा फंड्स है, मगर चार मीनार पूरे हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा और ख़दीम हॉस्पिटल है, यूनानी हॉस्पिटल है, ये अपने आप में एक मिसाल रखता है यह हॉस्पिटल को, और ख़ास तौर से आयुष डिपार्टमेंट इसको नज़रअंदाज किया हुआ है। मैं आयुष डिपार्टमेंट के डायरेक्टर राजेंद्र साहब से 4 TV के ज़रिए और तमाम चैनलों के ज़रिए मैं एक पैगाम देना चाह रहा हूँ कि वो आए और यहाँ पर दौरा करके जो काम रुके हुए हैं और जो काम आप रुकाए हैं वो काम को जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचाएँ। यहाँ पर सिर्फ हम डेवलपमेंट चाहते हैं और लिफ्ट का जो काम है और बहुत सारे काम हैं यहाँ पर, आउटसोर्सिंग के लेबर्स का काम है, कई काम जो पेंडिंग में है आयुष वाले रुका के रखे हैं। मैं मोहतरमा सुपरिटेंडेंट मैडम से भी कहा, मैं डॉक्टर परवीन साहबा से कि भाई आप पूरी नुमाइंदगी करिए, आप जितने आपके काम है हमारे पाशा खादिर साहब को दीजिए, एमएलए साहब बार बार आते हैं यहाँ पर, बस सही नुमाइंदगी करिए, इंशाल्लाह अज़ीम आपके काम भी जल्द से जल्द हल होंगे इंशाल्लाह। जो अटेंडर्स की भी सैलरी 8 महीने से नहीं मिली, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? अभी इसके बारे में तो ये लोग डिसाइड करिए, हमको तो उतना आइडिया नहीं है, मगर अलबत्ता ये जो आउटसोर्सिंग के जो लेबर्स आज परेशान हैं उनके बारे में एमएलए साहब बराबर आयुष वालों से बात कर रहे हैं इंशाल्लाह, और जो भी काम है इंशाल्लाह एमएलए साहब करेंगे, और बड़े काम अकबरुद्दीन अवैसी साहब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अपने फंड्स से यहाँ पर एक अमाउंट दिए हैं, मगर आयुष वाले पता नहीं क्या बात है कि उनको ये यूनानी हॉस्पिटल से जो रुका के रखे हुए हैं।